सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के एक फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी हम बात करते हैं पहले कल के पोल की ऑनर के फोन्स के बारे में। तो भैया रिजल्ट मिल गया है ऑलमोस्ट 50-50 जो कि हुआ है पहली बार किसी पोल में। दोस्तों यहाँ पे आज का सवाल बड़ा ही कमाल है आप सभी के लिए कि यहाँ पे दोस्तों मालूम है कि शाओमी इंडिया में लॉन्च करने वाला है 8 अगस्त को Mi A2 को, तो क्या आप उसके लिए एक्साइटेड हैं? बताइए दोस्तों क्या रहते आपकी राय ऊपर दिया गया पोल में, और ऐसे में एक लाइक तो बनता है। दूसरा पहला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे इसी Mi A2 और A2 Lite को लेके, जहाँ पर दोस्तों दोनों ही फोन जो है वो शाओमी ने लॉन्च कर ही दिए हैं। और यहां पर दोस्तों जो प्राइसिंग फिलहाल हमारे पास में है वो है यूरोपियन मार्केट्स के लिए, जो कि थोड़ी ज्यादा लगती है। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि Xiaomi इंडिया में कौन से फोन को लेके आता है, जहां पर दोस्तों Mi A2 तो कंफर्म्ड है ही, शायद Mi A2 Lite इंडिया में नहीं आएगा, और इसी दोस्तों Mi A2 की क्या होती है प्राइस इंडिया में। बाकी दोस्तों स्पेसिफिकेशंस जो है वो तो भैया हमको बहुत पहले से मालूम ही थी कि क्या होने वाली हैं। जहां पे Mi A2 में दोस्तों मिल जाता है आपको स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर, बाकी दोस्तों है यहां पे 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 12+ मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा, साथ में है 3000 mAh की बैटरी, और यहां पर दोस्तों ये दोनों ही जो है फोन आते हैं एंड्रॉइड प्रोग्राम के साथ में। देखते हैं कि यहां पे इंडिया में किस प्राइस पे आता है ये फोन, और मेरी एक जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो आपके लिए बहुत जल्दी आ जाएगी एक छोटे सरप्राइज के साथ में। दोस्तों यहां पे अगला अपडेट है वो निकल के आता है ओप्पो को लेके, और ओप्पो दोस्तों भैया यहां पे जो है वो कुछ और नहीं प्लानिंग कर सकता है, जहां पे हिसाब को ऐसा लग रहा है कि भैया फोन के अंदर सामने का कैमरा जो है वो निकाल ही दो, पीछे की तरफ जो होगा कैमरा वहीं से क्लिक कर लेंगे सेल्फी, और ऐसे में पीछे लगा दो छोटा सा डिस्प्ले जहां पे आप देख पाएंगे अपनी फोटोज का प्रीव्यू, और यहां पे जो कैमरा होगा वो सिंगल है कि ड्यूअल है कि भैया दोनों कोनों में है, ये कैसा है उसका दोस्तों यहां पे अलग अलग हिसाब किताब हो गया है शुरू। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ऐसे केस में आप वीडियो कॉल्स कैसे करेंगे? अगर आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करना है तो पीछे स्क्रीन तो बहुत छोटा सा है, तो आप कैसे कर पाएंगे? तो ये सवाल है, देखते हैं कि यहाँ पे दोस्तों ओप्पो ऐसा कोई फोन लेके आता है या नहीं। और इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे सेम अप्रोच के साथ में सैमसंग का भी पेटेंट आ गया है, जहां पर दोस्तों इनफैक्ट जो डिस्प्ले है वही घूम के पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगा, और कैमरा इसके अंदर भी एक ही है जो होगा फोन के पीछे, सामने की तरफ कोई भी कैमरा नहीं होगा। कंसेप्ट वैसा ही है, डिस्प्ले घुमा के पीछे कर लो तो कैमरा भैया उसी से सेल्फी उसी से सब कुछ, लेकिन वीडियो कॉलिंग के अंदर भैया क्या होगा हिसाब किताब वो हम देखते हैं जब इस तरह के फोन आएंगे मार्केट में। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है BSNL की तरफ से, और यहां पर दोस्तों बात हो रही है BSNL विंग्स के बारे में, जो दोस्तों BSNL ने अभी प्लान किया था इंटरनेट टेलीफोन सर्विस को लेकर, जो दोस्तों लॉन्च होने वाली है अभी 25 जुलाई से। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर सिर्फ 4000 बुकिंग्स हुई हैं, मतलब BSNL बोलता है कि 4000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल गई हैं, लेकिन सिर्फ 4000, जबकि इंटरनेट टेलीफोन दोस्तों जो है काफ़ी कमाल का ऑप्शन है, जहां पे आप वाईफाई में हो के या आपको सिर्फ नेटवर्क चाहिए और आप बड़े आराम से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और यहां दोस्तों ऐसे में जो प्लान है वो भी है पूरे साल भर का सिर्फ 1099 रुपए में, लेकिन फिर भी सिर्फ 4000 लोगों ने रजिस्टर किया है। देखते हैं क्या निकल के आता है फ्यूचर BSNL के इस विंग्स वाली सर्विस का। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे IRCTC के बारे में, जहां पे दोस्तों अभी अगर आपको किसी ट्रेन का स्टेटस चेक करना है तो वो आप कर सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे WhatsApp जो है वो भैया बहुत पॉपुलर टूल बनता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको हालांकि दोस्तों पहले जो मेक माई ट्रिप का नंबर है WhatsApp वाला वो सेव करना होगा अपने कॉन्टैक्ट्स में, उसके बाद में अगर दोस्तों वहाँ पे आप सिंपल ट्रेन का नंबर लिख के मैसेज भेजते हैं तो आपको मिलेगा इंस्टेंट रिस्पॉन्स उसी ट्रेन के स्टेटस को लेकर, भैया ट्रेन कहाँ से चली है, कहाँ पहुँची है, क्या है करंट स्टेटस। अच्छी बात है, आपके लिए थोड़ी सी और सुविधा है अगर आप सफर करते हैं इंडियन रेलवेज में। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Qualcomm की तरफ से, और यहाँ दोस्तों Qualcomm ने अनवील कर दिया है 5G दोस्तों फोन्स में काम में आने वाला एक मिलीमीटर वेव एंटीना सिस्टम, जो कि दोस्तों अगले साल जो फोन्स निकल के आएंगे मार्केट में जहां पे होगा 5G उसमें हमको देखने को मिलेगा। और यहां पर दोस्तों बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस मिलने वाली है, जो डेटा स्पीड्स होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी, और इनफैक्ट दोस्तों यहां पे Qualcomm बोलता है कि इसके अंदर जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो हमको काफी बेहतर मिलेगी 5G वाले फोन्स में। तो भैया देखो अभी धन धनाधन के कौन सा ऑफर बरसता है 5G के टाइम पे Jio वगैरह की तरफ से इंडिया में। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे Acer के Predator Helios 500 सीरीज के लैपटॉप को लेके, ये दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो गए हैं, और यहां पर दोस्तों जा सकते हैं प्रोसेसर्स के मामले में इंटेल कोर i9 तक। दोस्तों शुरुआती प्राइस है वो है भैया सिर्फ 1,99,999 रुपए, और ऐसे में ये एकदम एक्सट्रीम गेमर्स के लिए दोस्तों बनाए गए हैं ये लैपटॉप्स, जहां पे कोर i9 प्रोसेसर
मैं भी शायद सोच रहा हूँ कि जो नया वाला मैकबुक आया है कोर N1 वाला उसके अंदर कर लूँ अपग्रेड। हालांकि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर परफॉर्मेंस भी बहुत कमाल मिलेगी कोर i9, क्या बात है, वो भी एक लैपटॉप में। दोस्तों यहाँ पर अगला अपडेट है वो निकल के आ रहा है भैया eBay इंडिया की तरफ से, जहाँ पे दोस्तों फ्लिपकार्ट ने जो की थी पहले दोस्ती eBay इंडिया से वो भैया शायद अभी खत्म सी होने वाली है कि यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा eBay शटडाउन 14 अगस्त से। और उसके बाद में फ्लिपकार्ट दोस्तों अपने रिफर्बिश जो फोन्स वगैरह हैं दोस्तों रिफर्बिश डिवाइसेज उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है, तो देखते हैं कि वो कैसा होता है। बाकी क्या आप eBay से शॉपिंग करते थे, क्या आपने आज तक कभी की है शॉपिंग, बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों अगला अपडेट निकल गया था वो है यहाँ पे Xiaomi की तरफ से, जहाँ दोस्तों इंडिया में Xiaomi की दो स्मार्ट वॉचेस जो है वो लॉन्च हो गई हैं, जहाँ दोस्तों नाम जो है वो है Amazfit Bip और Amazfit Stratos। यहाँ पे दोस्तों जो प्राइस है वो बिप की आती है 5,999 रुपए, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो Amazfit Stratos उसकी प्राइस है 15,999 रुपए, और ऐसे में ये आपको मिल जाएंगे एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे। जहाँ पे स्मार्ट वॉचेस है फीचर्स अलग अलग हैं, डिजाइन अलग अलग हैं, लुक्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पे ये आता है Xiaomi का एक स्मार्ट वॉच सिस्टम इंडिया में। Xiaomi का अगर कंप्लीट पोर्टफोलियो इंडिया में आ जाएगा ना तो मतलब पतंजलि बन जाएगा ये, बेसिकली चाइना का पतंजलि है, लेकिन देखो दोस्तों इंडिया में ये जो वॉचेस हैं ये क्या कमाल करती हैं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Samsung की तरफ से, रिपोर्ट्स कहती हैं कि Samsung भैया यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है अपने एक गेमिंग स्मार्टफोन की, तो मतलब ये काफी दोस्तों इंटरेस्टिंग सामान बन सकता है शायद Samsung की तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों जो फोल्डिंग स्मार्टफोन आने वाला है Samsung का, जिसका हम नाम सोच रहे थे कि हो सकता है Galaxy X, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों उसका जो नाम है वो शायद कुछ और होगा, Galaxy X शायद अगले साल का जो Galaxy S10 होगा उसका शायद नाम रखेगा Samsung, लेकिन जो गेमिंग स्मार्टफोन बनाएगा वो इंतजार करेंगे, देखते हैं कि आखिर कितना पावरफुल होता है और उसमें क्या अलग होता है बाकी मार्केट में स्टैंडर्ड मिलने वाले फोन से। दोस्तों अगला अपडेट निकल गया था वो है यहाँ पे YouTube की तरफ से, भैया YouTube दोस्तों जो है वो iOS यूजर्स के साथ में कुछ टेस्ट कर रहा है, जहां पे दोस्तों कुछ यूजर्स जो है वो देख पा रहे हैं उनके साथ में मिल रहा है उनको अपनी ऐप में एक एक्सप्लोर सेक्शन, जहां पे वो अलग अलग कैटेगरीज में जाके वीडियोज को देख सकते हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। और रिपोर्ट्स कहती है कि इसके बाद में शायद ट्रेंडिंग सेक्शन जो है वो YouTube हटाना चाहेगा, तो देखते हैं बाकी कि यहां पे दोस्तों ये जो सीन है वो कब तक निकल के आता है बाकी सब यूजर्स के लिए और वो इसको लेके कैसा फीडबैक देते हैं। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे Honor के 9N को लेके, इंडिया में भैया फोन लॉन्च हो ही गया है, जो शुरुआती प्राइस है वो है 11,999। बाकी दोस्तों दो और वेरिएंट्स हैं, मैं इसकी एक वीडियो बना ही चुका हूं, मेरे ख्याल से आपने देख ही ली होगी, तो ये एक इंटरेस्टिंग मिड रेंज नॉच वाला फोन है Honor की तरफ से। दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे Asus की तरफ से, जहां पे भैया चल रहा है बैक टू कॉलेज ऑफर, तो अगर दोस्तों परचेज करते हैं यहाँ पे कोई लैपटॉप वगैरह तो मिल जाएगी एक्सटेंडेड वारंटी, साथ में है कुछ मर्चेंडाइज वगैरह, तो अगर आपको अपने स्कूल के लिए कॉलेज के लिए कोई लैपटॉप खरीदना है तो भैया आप ले सकते हैं यहाँ पे। और बाकी मेरे को याद आया Asus से कि जो Zenfone Max Pro M1 का भैया वेरिएंट लॉन्च हो रहा है इंडिया में 6GB रैम वाला 26 तारीख को, सोचता हूँ उसका भी कुछ वीडियो बना दे और आपके लिए आ जाए छोटा सा सरप्राइज, क्या कहते हो इसके बारे में। दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल गया था यहाँ पे क्रोम की तरफ से, और यहाँ पे भैया अभी दोस्तों वेबसाइट से जहाँ पे HTTPS प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता है वहाँ पे आपको दोस्तों ऊपर एड्रेस बार में देखने को मिल जाएगा कंप्लीटली क्लियरली तरीके से लिखा हुआ नॉट सिक्योर, जिससे जो यूजर है वो थोड़ा सा पहले ही सतर्क हो जाए, उसको मालूम चल जाए कि यहाँ पे दोस्तों जो भी हो रही है भैया बातचीत वेबसाइट के साथ में वो सिक्योर्ड नहीं है, वो इनक्रिप्टेड नहीं है। दोस्तों फाइनल अपडेट निकल गया था वो है यार यहाँ पे इंटरनेट स्पीड्स को लेकर मोबाइल फोन, और यहां दोस्तों उकला ये बोलता है कि जो Galaxy S9 है वो आगे है iPhone 10 से, जहां पर दोस्तों S9 की जो एवरेज स्पीड है वो है 38.9 Mbps और iPhone 10 की जो एवरेज स्पीड है वो है 29.7 Mbps, तो डेफिनेटली दोस्तों जो रेडियोस है वो काफी ज्यादा अच्छे वाले हैं Samsung के S9 फोन में, लेकिन एप्पल की पॉपुलैरिटी ज्यादा है Samsung S9 के मामले में। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको कुछ सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इससे वीडियो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।